तो हम लोग PX100X3 की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये ली है सलीम शेख जी मुंबई, उन्होंने ली है और हमने उनसे पूछा था कि हम क्या इसका लेके अपना वीडियो बना सकते हैं, तो उनकी परमिशन से हम इसका बॉक्स खोल रहे हैं और PX100 के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे। हम इसकी अनबॉक्सिंग यहीं कर ले रहे हैं, उनकी परमिशन ली है हमने। तो चलिए हम इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसका लुक कैसा है, और फिर इसकी पावर टेस्टिंग हम अपनी PX100 के साथ करेंगे। ये X3 है, इसमें तीन जगह कंपनी की सीट्स आती हैं। तो ये देखिए इसका लुक ऐसा है, कुछ डिजाइन इसका। इसमें सप्रेसर ऑलरेडी लगा हुआ है कंपनी का। हाँ, अब ये यहां से पन्नी बाहर हो जाएगी। ये देखिए PX100 जैसी ही है, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, बस इसमें X3 लिखा है क्योंकि इसमें साइट्स नहीं आई हैं, इसमें आया है सप्रेसर। ये है वो सप्रेसर, और यहाँ पे एलनकी इसमें लगेंगे जहाँ से ये निकल जाता है, और उसका सीरियल नंबर ये रहा कि अभी हमने बॉक्स खोला है, इसमें से यही निकली है, यही कि यही हम शेख सलीम जी मुंबई को सेंड करेंगे। ये देखिए आज हम अपनी PX100 और PX100X3 ये दोनों का पावर कंपेरिजन करेंगे। ये देखिए ये X3 ये नवी आई है अभी, ये शेख सलीम जी ने ली है और ये हमारी है पुरानी। तो हमने उन्हें बता दिया था कि हम उनका बॉक्स खोल के इसकी पावर टेस्टिंग करेंगे दोनों की कंपनी स्प्रिंग पे। पकड़िए, तो हमारे वाले में तो हमेशा एडजस्टमेंट रहता है, तो हम इसमें से थोड़ा सा पहले अपना स्प्रिंग इसका सही कर लें, अपना ओरिजिनल स्प्रिंग लगा दें कंपनी का, जब भी तो पावर टेस्टिंग हो पाएगी। देखिए हमारे इसमें तो कभी भी वॉशर ऐड ही निकलेंगे इसके अंदर, चाहे कभी 5 निकले कभी 10 निकले। और ये कंपनी का हमने बुला के रखा था, हम सिर्फ पावर टेस्टिंग के लिए ही इसे यूज़ करते हैं। ओरिजिनल स्प्रिंग कंपनी का, प्रेसिओल कंपनी का, ये देखिए पैकेट पे भी लिखा है इसके, सिर्फ पावर टेस्टिंग के लिए हम इसे लगाते हैं ताकि इसकी पावर ओरिजिनल जो है वह आप लोगों को पता चल सके। और ये बोल्ट कंपनी का, ये हमारी है इसलिए इसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ रहेगी, बाकी वो जो वो आई है वो तो कंपनी की है X3। ओके, ये अभी हम इसमें सामने तीन पीपे रखे हैं और हॉर्नेट पैलेट से हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। हॉर्नेट पैलेट हम 4 डाल लेते हैं क्योंकि दोनों से दो दो शॉट चला लेंगे हम दोनों का। अभी आपको प्रेशर भी दिखाएंगे हम कि 200 200 बार पे हमने भर के रखा हुआ है। ये न्यू मैगजीन निकाल के लाए हैं हम X3 की, इसी से चलाएंगे हम ये। ये देखिए ये चारों हॉर्नेट हमने इसमें भर दिए हैं और दो दो शॉट हम चलाएंगे, 5 से ही चलाएंगे। तो सबसे पहले हम चलिए X3 से ही चला लेते हैं। अब इसमें X3 के अंदर सप्रेसर आता है दोस्तों कंपनी की तरफ से, मगर इसमें आयरन साइट्स नहीं आती हैं, इसमें आयरन साइट्स नहीं आती हैं। पावर, एक मिनट रुक जाना, लॉक लगा लूँ मैं। हाँ, इसमें लॉक लगा दिया है। अब इस पर पावर दिखाइए, आप दिख रहा है आपको 200 पे पावर, ये 200 पे है। और बैरल किसी भी आदमी की तरफ करने के पहले आप लॉक जरूर लगाइए, ये सेफ्टी है। अब यहाँ से हम दो शॉट चला लेते हैं। बॉक्स से निकलते थे अभी इसमें पहला शॉट चला है और ये दूसरा शॉट चला है। तो चलिए आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं, पहले X3 का कंपनी स्प्रिंग पे। एंट्री कर गई है, एग्जिट कर गई है, एंट्री कर गई है सेकेंड वाले में, और डेंट दिया है, ये लगभग लोगों को फाड़ दिया है सेकंड वाले को भी पीछे से कंपनी स्प्रिंग पे X3। ये इसकी पावर है, और अब हम अपने वाले की पावर दिखाएंगे कंपनी स्प्रिंग पे। मैगजीन अच्छा इसमें लगी हुई है, हम निकाल लेते हैं। अब हमारी बारी, हम इसको थोड़ा सा सेंटर ले लेंगे। तो चलिए इसके भी रिजल्ट देख लेते हैं। हॉर्नेट पैलेट चारों खत्म हो गए हैं हमारे, नीचे वाले होल हमारे हैं, होल दिख रहे हैं आपको बराबर, नीचे वाले होल हमारे हैं ये दोनों ओल्ड वाली के। और इसमें से भी देखिए एक पार हुआ है, दूसरा तो यहाँ पार नहीं कर पाया है हमारी वाली से, और ये हमारी वाली का डेंट है। मतलब पावर लगभग लगभग एक जैसी है, सेकंड वाला क्यों नहीं निकल पाया उसका मुझे
समझ नहीं आया, बाकी निकलना चाहिए था, हॉर्नेट था तो एक जैसे ही जाने चाहिए थे सारे के सारे, ये यहीं रुक गया था हमारा एक हॉर्नेट। दोस्तों आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिकल्स भी चाहिए तो आप अपने सजेशन कमेंट में दे दीजिएगा, हम उससे रिलेटेड भी प्रैक्टिकल्स कर देंगे इनके। फिलहाल हमने सिर्फ पावर टेस्टिंग की है और लगभग सब कुछ सेम है इसका X3, और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज है, इसका नाम X3 है और ये हमारी PX100 HL से, इसमें सप्रेसर कंपनी का आया हुआ है। सप्रेसर सबसे मेन है, ये जो सप्रेसर है ये हमने इसका वेट किया है 130 ग्राम आया है और ये हमारा मार्केट वाला है, आफ्टर मार्केट हमने लिया है, ये 180 ग्राम का है तो 50 ग्राम का डिफरेंस भी है दोनों के बीच में, और आवाज़ लगभग दोनों की सेम ही है, सप्रेसर दोनों बराबर बढ़िया सप्रेस कर रहे हैं।